हेलो एवरीवन, इट्स मी योर कौशिकी राठौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ द टैनिंग दैट कम्स आफ्टर रूमिंग इन द सन। एक्चुअली आफ्टर द रोड ट्रिप एंड आफ्टर विजिटिंग भीमा शंकर माई स्किन वॉज कम्प्लीटली टैंड। And to remove this tanning, I have some easy methods which are very affordable, very easy to do. And you do not need to go to expensive salon, expensive parlor, expensive treatments. It takes some time, but you can get rid of tan. You can see how I deliberately exposed myself to the sun. बेसिकली मैं खुद को डिटैन करने के लिए डिटैन क्रीम का यूज़ नहीं करूँगी, मैं ब्लीच क्रीम का यूज़ करूँगी। इसके अंदर एक एक्टिवेटर निकलता है। एक्टिवेटर और ब्लीच क्रीम को मिक्स करने के बाद मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का लिक्विड मिलाऊँगी इसमें। एंड इन तीनों मिश्रण को मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, जब तीनों चीज़ें आराम से घुल जाएँ एक दूसरे में, एंड जो एक्टिवेटर होता है उसके जो छोटे 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 दाने दाने से होते हैं ना, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपनी बॉडी पर अप्लाई करूँगी। आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं ब्लीच स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, पर अगर आप साल में एक दो बार ब्लीच यूज़ करते हैं तो स्किन को, ट्रस्ट में, कोई हार्म नहीं पहुंचता है। मैं खुद करती हूँ। मुझे जब भी बॉडी पॉलिशिंग की ज़रूरत लगती है और मैं पार्लर नहीं जा सकती या सलून नहीं जा सकती, तो मैं फुल बॉडी ब्लीच कर लेती हूँ, देन उसके ऊपर से स्क्रब कर लेती हूँ, और मॉइस्चराइज करने के बाद बॉडी बिल्कुल बॉडी पॉलिशिंग की तरह ही चमकती है। और वो लोग भी ब्लीच ही यूज़ करते हैं, तो घर में कर लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए आप, क्रीम का कलर बदल चुका है, मतलब बदल नहीं चुका, जब मिक्स होने के बाद वाला जो क्रीम का कलर होता है वो हो चुका है। और अब मैं क्रीम लगा सकती हूँ अपनी बॉडी पर। ये तीन चीज़ें मैंने मिक्स की हैं, एंड मैं इस क्रीम का बिल्कुल ही प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये लोग मुझे बिल्कुल ही पे नहीं कर रहे हैं, बट या मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने आपके हेल्प के लिए दिखा दिया। ये ब्लीच क्रीम बहुत ही अफोर्डेबल है। एक ब्लीच क्रीम में आप, एक बड़ी ब्लीच क्रीम में आपकी फुल बॉडी ब्लीच हो जाएगी। बट जो एक्टिवेटर है वो फेस के लिए अलग क्वांटिटी में मिलाना है, एंड बॉडी के लिए आप ज़्यादा मिला सकते हैं, और फेस के लिए तीन चुटकी ही एक्टिवेटर मिलाना है अगर आप फेयर हैं तो। और अगर आप विटिश कलर में हैं तो आप सिर्फ दो चुटकी ही एक्टिवेटर मिलाएँ ब्लीच में। ये मेरा सजेशन है आपको। Thank you.
ब्लीच पूरी बॉडी में अच्छे से लगाने के बाद उसे 15 मिनट्स तक अपनी बॉडी पर रखें, एंड देन उसके बाद अगर आपको शावर लेना तो शावर लेना, अदरवाइज आप वेट स्पॉन्ज से आप अपने आप को वाइप कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आपको स्क्रब करना है एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिए प्लीज़। आफ्टर ब्लीच आप सेम डे स्क्रब कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नेक्स्ट डे किया। एंड आप स्क्रब करने से पहले अपने सारे एक्सेसरीज निकाल दें, एंड उसके बाद मेरे पास जो स्क्रब और क्रीम है बहुत ही अफोर्डेबल है जॉय की। एंड अच्छे से आप स्क्रब लें और अच्छे से स्क्रब करें हाथों पे, एंड उसके बाद जो लूफा होता है उससे आप और अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। वो ज़्यादा क्योंकि मेरे हाथों में दर्द हो जाता है करते 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 करते, ख़ुद से करने में ना थोड़ा वैसा होता है, ये वाला काम तो किसी से करवाने में मज़ा आता है, पर ठीक है अगर टाइम नहीं है और बचत करनी है और पैसे खर्च करने का बिल्कुल मन नहीं है तो खुद इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना खुद की बॉडी के लिए। सो या तो आप देख सकते हैं मैं खुद ही कर रही हूँ अपने एक हाथ से, ओ गॉड, बट मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आफ्टर स्क्रब मैं एक पैक बनाऊंगी विद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में मैं नींबू मिलाऊंगी एंड माय फेवरेट हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड बॉडी के सारे मैल को अंदर से खींच के निकाल के साफ़ करता है, एंड आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक या दो बार आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ करना तो किसी भी चीज़ का ख़राब होता है ना। पर या आपको अगर नील्स के आसपास या फिर अपने कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, जैसे नी है और एल्बो है, वहाँ पर नींबू और हाइड्रोजन परऑक्साइड को मिक्स करने के बाद आप लगा लेंगे ना तो काफ़ी लाइट हो जाती है वहाँ की स्किन। सो या मेरा तो फेवरेट है। अब देखो मैंने तीनों चीज़ों को मिला दिया है, ये दो ढक्कन लगा डाले हैं मैंने इसके अंदर, एंड ये पेस्ट बनाने के बाद मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी एंड 15 मिनट्स के लिए रखूंगी, उसके बाद मैं इसे वॉश कर दूंगी। हाथों को वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद मेरे पास ये कोल्ड क्रीम है, बहुत ही नॉर्मल बहुत ही अफोर्डेबल क्रीम है, और ये क्रीम कहीं पे भी मिल जाती है, लोग नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। तो इसी से मैं मसाज करूँगी, और मसाज अच्छे से मसाज करने के बाद आप देखना मेरे हाथ कैसे चमचमाने लगेंगे, बिल्कुल एड्स की तरह नहीं होगा, जैसे एड्स में दिखाते हैं एक बार क्रीम लगाई और आपका रंग बदल गया, ऐसा कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। पर हाँ, अगर आप दो से तीन बार यही मेथड्स इसी मेथड्स के साथ आप करते हैं तो आई एम डैम श्योर पार्लर से जल्दी आपकी स्किन की टैन निकल जाएगी, और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना फ़र्क इससे पड़ता है मुझे नहीं लगता किसी भी ट्रीटमेंट से पड़ता है, क्योंकि मैं सब करवा चुकी हूँ, मेरी थिन स्किन है और बहुत जल्दी टैन होती है, तो मुझे लगता है मुझे इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मेरे लिए जो ये वाला जो मैं ट्रीटमेंट जो खुद से घर पर करती हूँ, ये बहुत अच्छा असर दिखाता है,
मेरी स्किन की जो टैन है उसे बहुत जल्दी निकाल देता है। आप देखिए मेरे हाथों को अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पर हाँ पहले जैसे तो नहीं हुए हैं पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 60% तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है। और आई एम सुपर हैप्पी। आप लोग भी एक दो बार ट्राई करें और आई एम डैम श्योर आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ये वाला मेथड ट्राई ज़रूर करें। और कितना फ़र्क पड़ा है, कितना असर दिखाया है मुझे कमेंट में बताएं।